सीधा जाइए राज्यसभा जहां पीएम मोदी संबोधन कर रहा है। नौजवान मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की सेवा करने के लिए निकला था, उनकी सरकार को भी गिरा दिया गया, और आज वो वहां है। आज वो वहां हर क्षेत्रीय नेता को उन्होंने परेशान किया, और एनटीआर के साथ क्या किया। यहां कुछ लोग आज कपड़े बदले होंगे, नाम बदला होगा, ज्योतिषियों की सूचना के अनुसार नाम बदला होगा, लेकिन कभी वो भी उनके साथ थे। उस एनटीआर की सरकार को, और वो तबियत के लिए अमेरिका गए थे, अपने हेल्थ के लिए गए थे, आपने एनटीआर की सरकार को गिराने का प्रयास किया। ये कांग्रेस की राजनीति का स्तर था। आदरणीय सभापति जी, अखबार निकाल के देख लीजिए, हर अखबार लिखता था कि राजभवनों को कांग्रेस के दफ्तर बना दिए गए हैं, कांग्रेस के हेडक्वार्टर बना दिए गए। 2005 में झारखंड में एनडीए के पास ज्यादा सीटें थी, लेकिन गवर्नर ने यूपीओ को शपथ के लिए बुला लिया था। 1982 में हरियाणा में भाजपा और देवीलाल के पास प्री पोल उनका एग्रीमेंट था, उसके बावजूद भी गवर्नर ने कांग्रेस की सरकार के लिए निमंत्रण कर दिया था। ये कांग्रेस के पाप, और आज देश को गुमराह करने की बातें कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं एक बात को जानना चाहता हूं, मैं एक गंभीर विषय की ओर अब ध्यान देना भी चाहता हूं। महत्वपूर्ण विषयों को मैंने स्पर्श किया है, और आज देश में आर्थिक नीतियों की जिनको समझ नहीं है, जो 2400 घंटे राजनीति के सिवा कुछ सोचते नहीं है, जो सत्ता के खेल खेलना यही जिनको सार्वजनिक जीवन का काम दिखता है, उन्होंने अर्थनीति को अनर्थ नीति में परिवर्तित कर दिया। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं, और मैं इस सदन की गंभीरता के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि अपने रिस्पेक्टिव स्टेट को जाके समझाएं कि ये गलत रास्ते पर न चले जाए। हम हमारे पड़ोस के देशों का हाल देख रहे हैं कि वहां पर क्या हाल हुआ है, अनाप शनाप कर्ज लेकर के किस प्रकार के देशों को डुबो दिए गए। आज हमारे देश में भी तत्कालीन लाभ के लिए अगर भुगतान करेगा तो आने वाली पीढ़ी करेगी। हम तो कर्ज करो जीपीओ वाला खेल आने वाला देखेगा। ये कुछ राज्यों ने अपनाया है, वो उनका तो तबाह कर देंगे, देश को भी बर्बाद कर देंगे। अब कर्ज के तले दबते जा रहे हैं। ये देश आज दुनिया में उनको कर्ज देने के लिए कोई तैयार नहीं है, ये मुसीबतों से गुजर रहे हैं। मैं राजनीतिक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, दलों के विषय में एक दूसरे के प्रति टीका टिप्पणी हो सकती है, लेकिन देश की आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, आप ऐसा कोई पाप मत कीजिए जो आपके बच्चों के अधिकारों को छीन ले और आज अपना मौज कर ले और बच्चों के नसीब में बर्बादी छोड़ के चले जाए। ऐसा करके न जाए। आज आपको पॉलिटिकली सूट का मैंने तो देखा, एक मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि भाई अब ठीक है, मैं तो निर्णय करता हूं, अभी मुसीबत मुझे कहां आएगी, 2030-32 के बाद आएगी, जो आएगा वो भुगतेगा। क्या कोई देश ऐसे चलता है क्या? लेकिन ये जो वृत्ति बन रही है वो बहुत चिंता का विषय है। आदरणीय सभापति जी, देश की आर्थिक सेहत के लिए राज्यों ने भी अपनी आर्थिक सेहत के संबंध में डिसिप्लिन का रास्ता चुनना पड़ेगा, और तभी जाकर के वे राज्य भी इस विकास की यात्रा का लाभ ले पाएंगे, और उनके राज्यों के नागरिकों का भला करने में हमें भी सुविधा हो जाएगी, ताकि हम उन तक लाभ पहुंचाना चाहते हैं। आदरणीय सभाजी जी, 2047 में यह देश विकसित भारत बने, ये हम सबका संकल्प है।
140 करोड़ देशवासियों का संकल्प। अब देश पीछे मुड़कर के देखने को तैयार नहीं है, देश लंबी छलांग मारने को तैयार है। जिनकी दो वक्त की रोटी का सपना था उसको आपने एड्रेस नहीं किया, हमने उसको एड्रेस किया है। जिसको सामाजिक न्याय की अपेक्षा थी जो आपने एड्रेस नहीं किया, हमने एड्रेस किया है। जिन असल अवसरों को तलाशता था उन अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए हमने अनेक कदम उठाए। और आजाद भारत का जो सपना है उन सपने को पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध होकर के चले। और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी, नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है जन के फर्ज से आवाज की जवाब दे रहा है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीति खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के उम्दा भाषण को, राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शक भाषण को, राष्ट्रपति जी के प्रेरक भाषण को इस सदन के अंदर अभिनंदन करते हुए, धन्यवाद करते हुए, आपका भी आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। राज्यसभा ની અંદર પીએમ મોદીએ સંબોધન કર્યું છે, રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર ધન્યવાદ પ્રસ્તાવ ની અંદર સંબોધન કર્યું છે અને વિપક્ષ પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે। પીએમ મોદીએ પોતાના સંબોધન ની અંદર વિપક્ષને આડે હાથ લીધું હતું, વિપક્ષની નીતિઓ પર પ્રહાર કર્યા હતા। રાજ્યસભા ની અંદર પીએમ મોદીનું સંબોધન અને પીએમ મોદીએ વિપક્ષને આડે હાથ લીધું, પીએમ મોદીએ આકરા પ્રહારો સાથે શાબ્દિક પ્રહારો કર્યા હતા विपक्ष पर। जो बात करवामां आवे, अमारी सरकार 22 कलाक सुधी वीजळी आपवामां सफल रही छे, विकासना जे कामो कर्या छे ते पीएम मोदीए गणाव्या छे, देश ऊर्जाना क्षेत्रमां प्रगति करी रह्यो छे तेवुं पण पीएम मोदीए पोताना संबोधननी अंदर उल्लेख कर्यो छे। पीएम मोदीए तमामे तमाम विकासना जे कार्यो छे, चाहे नौकरी के रोजगारनी वात होय, चाहे खेडूतोनी वात होय के 5G वात होय, टेक्नोलॉजीनी वात होय, तमामे तमाम जे विकास कार्यो छे तेनो उल्लेख पीएम मोदीए पोताना संबोधननी अंदर कर्यो। राष्ट्रपतिना अभिभाषण पर आभार प्रस्ताव व्यक्त करता पीएम मोदी संबोधन करी रहा हता अने पीएम मोदीए पोताना संबोधननी अंदर शब्दोना चाबखा विपक्ष पर मार्या छे, विपक्ष ने आड़े हाथ लीधुं छे, विपक्ष ने उपर आकरा प्रहारो कर्या छे। पीएम मोदीए पोताना संबोधननी अंदर जे प्रमाणे विकास कार्योनी गणतरी करावी छे, विकास कार्यो जे जे करवामां आव्या छे, जनधन खाताओनी वात करवामां आवी, आदिवासीओना कल्याणनी वात करवामां आवी, खेडूतनी वात करवामां आवी, खेडूतो खेतीनी अंदर जे ड्रोननो उपयोग करे छे तेनी वात करवामां आवी छे, लोकोने नौकरी अने रोजगारनी जे वात करवामां आवी छे। विपक्ष पर प्रहार करता पीएम मोदीए कहूं हतुं के विपक्ष में लोगों ने नौकरी अने रोजगार वच्चे नो फरक खबर नहीं पड़ती, जो नेहरू महान था तो तेनी तेमनी अटक केम नहीं राखता तेवो पण सवाल पीएम मोदीए कर्यो हतो, प्रहार कर्या हता। राजभवनों कांग्रेस नी ऑफिसो बनी गया हता तेवो पीएम मोदीए प्रहार कर्यो छे। 2005 में छत्तीसगढ़ में एनडीए की सीटों वधु हती, छता यूपीए की सरकार बनी होवानो पण उल्लेख कर्यो, कांग्रेसे एनटीआर की सरकार पाड़ी नाखी हती तेवो पण उल्लेख पीएम मोदीए पोताना संबोधननी अंदर कर्यो छे।